हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज ऋतु जी लगा रहे हैं गोभी के बीज और अपनी ब्रोकली। गाइस तो ये है ऋतु जी। हेलो, हमारे व्यूअर्स को हाय कर दो। हेलो जी, देखो ये हो रही है खाद की छंटाई की। कौन सी खाद हम यूज में लाएंगे और कौन सी नहीं लाएंगे, तो इसको हम स्ट्रेन करके देखेंगे। गाइस तो ये है हमारा गठ गोभी बोलते हैं इसको, कनोल खोल। और ये हमारी पत्ता गोभी जिसको हम बोलते हैं कैबेज। और ये है हमारी ब्रोकली। तो देखो ये हमारी खाद तैयार हो गई है ना अच्छे से, देखो बिल्कुल साफ सुथरी खाद तैयार हो गई है हमारी, ये देखिए। तो इसमें क्या करना होता है, पहले कि जैसे कोई भी हमने बर्तन ले लेना जिसमें हमने बीजना है इसको, क्योंकि अभी बरसात के दिन है ना, तो थोड़ा पानी की वजह से पौधे खराब हो सकते हैं, इसलिए हम इनको ना ये किसी कंटेनर में या फिर किसी बर्तन में बीज सकते हैं इसको। जैसे हमारे पास टूटे हुए प्लास्टिक के तसले हैं तो हम इसमें बीज रहे हैं इनको, ताकि हमारा जो ये अच्छे से बीजे जाए सारे जो ये बीज हैं। तो अभी हमने इसमें मैंने बीज दिया है फूल गोभी। अब मैं लूँगी ये पत्ता गोभी ले लूँगी और ये ब्रोकली ले लूँगी और गठ गोभी ले लूँगी। अब देखते हैं कितना बीज निकलते हैं, कैसे निकलते हैं देखते हैं अब आगे। चलो तो नेक्स्ट अब तसला आएगा मिट्टी का, जल्दी देखते आओ आप तसला। काम वो है तसला, उसकी मिट्टी चेंज करो, नहीं है ना। है कि नहीं? काम मिट्टी वहां करो ना चेंज, यहाँ पे मत करो। मैंने बोलना ही था ये आपको अभी, चाहिए तसला चाहिए मेरे को। वो दो। लो नहीं डालनी है, ठीक है ना। बस कोई बात नहीं, इतनी रह भी जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हमने पहले बैंगन की पनीरी लगाई हुई थी तो उसमें मिट्टी डाली हुई थी, अब हम दूसरी पनीरी लगा रहे हैं। तो इसमें पहले हम नीचे ऐसा करते हैं, थोड़ा सा साइड में चिपका लेते हैं ये खाद, ताकि जो है नीचे से ये पुरानी मिट्टी का लगे ना। ऐसा बोलते हैं कि ये झूठ हो जाएगा तो जलती नहीं है चीजें। लो जी डालो फिर मिट्टी और। हाँ, ऐसे नहीं करना, ओ निकल गए। मिट्टी है ये, इसमें छानी है तो बस ऐसे साफ ही करनी है। आजकल के दिनों में गोभी बीज निकलने लीजिए, हम भी थोड़ा लेट हो गए हैं, तो 10 दिन पहले बीज देने के लिए हमें हम थोड़ा लेट हो गए हैं इस बार। आजकल जो बाजार में सब्जियाँ आ रही है उसमें तो दवाइयाँ बहुत मिला रहे हैं लोग, तो हम नेचुरल तैयार करेंगे इसको। जब ये तैयार हो जाएगी हम जरूर आपको केयर करेंगे। हाइब्रिड सीड लाए हैं जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये हमने बेड बना लिए हैं बीजों के लिए, बीज के लिए। अब ये तैयार हो चुका है, नीचे भी हम खाद डालेंगे, ऊपर भी हम खाद डालेंगे, तो ये हमारे बीज जल्दी निकलेंगे।
ग्राइंड करके डालनी है। गोभी की तरह होते हैं इसके बीज। गाइस तो आप देख सकते हैं ये हमारा बीजों का बेड बन चुका है, जो कि हम इसमें कितने दिनों में ये बीज निकल आएंगे, उग जाएंगे। उग तो ये 10-15 दिनों में जाएंगे, बट इनको लगाने के लिए अभी 1.5 महीने तक लगेगा। 2 महीने हम खेतों में लगाएंगे तो 1.5-2 महीने। हाँ तो गाइस 15-20 दिन में ये उगाएंगे बीज, बाकी थोड़े से जैसे बड़े होते रहेंगे तो 1.5-2 महीने लग जाएंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ से निकाल के ज़मीन में गाड़ देंगे और ये आगे तैयार हो जाएगा।